दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो आज जो है मौसम बढ़िया हो रहा है ना सब जगह, क्योंकि सर्दी खूब हो रही है। और सर्दी जब तेज बढ़ती है ना तो उतना ज्यादा अच्छा अच्छा कुछ खाने को मन करता है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं पनीर टिक्का। तो घर पे पनीर टिक्का सब लोग बनाते होंगे, और जो नहीं बनाते तो वो मार्केट से। लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा एक स्नैक्स का भी काम करता है, हेल्दी भी पनीर होता ही है, चलो है ना। घर पे बनाया हो या मार्केट में कुछ अच्छी ऐसी दुकानें होती हैं जहां से आप सामान लेते रहते, तो वहां पे अच्छा भी मिल जाता है। सब जगह मिलावटी चीजें, ऐसा नहीं है कि सब जगह ही एक सी मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज बनाया जाए। तो वैसे मेरे पास माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव में जो है चारकोल का फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं उस पर भी बनाती हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने बनाया। तो अब हर किसी के पास तो माइक्रोवेव नहीं है और ओवन वगैरह नहीं होते हैं, तो चीज़ तो बनाने का मन करता भी है। और बच्चे भी कहते हैं कि कुछ अच्छा बनाओ, क्योंकि छुट्टियाँ भी चलती होती हैं इन दिनों में, सर्दियों में थोड़ा सा। और तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज बना के देखती हूँ नए तरीके से। तो आप लोग जो है बने रहिएगा, और उसमें ना माइक्रोवेव ओवन किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है पनीर टिक्का बन के तैयार होगा। तो पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कैसे बनाया। तो पहले तो जो है मेरी बन रही है चाय, तो पहले पीते हैं चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, करीब अभी 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे का टाइम है। तो मैं अभी चाय पीने के बाद जो है थोड़ा प्रोसेस जो है पनीर का, तो मैंने अभी वैसे ना ये देखिए पनीर को मैंने गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रख दिया है। तो इसे गर्म पानी में डालने से क्या होता है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो क्योंकि जब तक हम चाय पियेंगे तब तक जो है ये पानी में थोड़ी देर इसको पड़ा हुआ छोड़ दूंगी, फिर निकाल के रख देंगे। पर हाँ, बिना माइक्रोवेव, बिना ओवन के, बिना उसके, और बिल्कुल जो है मार्केट जैसा पनीर टिक्का अगर आपने खाना है तो पूरा वीडियो जो है देखिएगा। तो चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर बनाते हैं और पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, अगर आपको पनीर टिक्का बना के आप जब घर में खाना ना और आपको अच्छा लगे, तो एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। और जिन्होंने कर लिया तो कोई बात नहीं है, तो वो अपने लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा बना है। तो आप लोग बना के जरूर देखिएगा। तो सारी बातें यहीं पर होती रहेंगी, तो चलते हैं बनाते हैं फिर। तो पहले तो जो है चलते हैं काम स्टार्ट करने से पहले ये बर्तन जो धुले रखे हुए थे, तो मैं हमेशा बास्केट में नीचे टोकरी में बर्तन रखती हूँ, जब ये सूख जाते हैं तभी इनको अपनी जगह पे लगाती हूँ। तो ये जो चॉकलेट का डब्बा था इसमें कुछ चॉकलेट रह गई थी, तो मैं उनको जो है डब्बे को खाली करके और छोटे डब्बे में रख रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये बड़ा डब्बा जो जगह घेरते हैं ना वो खाली हो जाएगा। मिठाई के डब्बे हो चाहे चॉकलेट के हो, कभी कभी क्या होता है कि ना 2 पीस 4 पीस पड़े उनमें और वो डब्बा ऐसे ही रखे रहते हैं जिससे कि जगह कवर होती रहती है। छोटे घर है, छोटी किचन है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर एक चीज फैली पसरी पड़ी रहे। जब हम इतना समेटते हैं, इतना काम करते हैं, तब भी जाके चीजें जो है अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो बर्तन जो है सही जगह पे लगा देंगे, क्योंकि क्रॉकरी वगैरह अलग हो जाती है या ग्लास या कटोरियां सब इस तरह से। तो इडली बनाई थी आज सुबह, तो उसके भी जो कुकर वगैरह निकला हुआ रखा था तो उनके भी सारी प्लेट्स वगैरह लगा के और ऊपर रख दूंगी स्टोर में, क्योंकि ये चीजें जब जरूरत पड़ती है तभी हम नीचे उतार लेते हैं। नीचे इतनी प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं होती है कि हम इसको जो है सामने ही सारी चीजें रख दें। तो कोशिश यही रहती है इस तरह से चीजें किचन में लगाई जाए जो हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें जो चीज जो है ना ऊपर रखनी पड़ती है। और किचन के जो कबर्ड है मैंने ऊपर इसीलिए बनवाए थे क्योंकि किचन छोटी थी और रसोई में जो है ना सामान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्रॉकरी के कप वगैरह हैं जो, क्योंकि डेली यूज के बर्तन भी होते हैं और हमें जो फेस्टिवल वगैरह पे भी निकालने पड़ते हैं वो भी होते हैं। तो बस मैंने पनीर जो है 1/2 किलो पनीर मंगवाया था और उसको 2 पीस करके ऐसे कर थोड़े ना गर्म पानी में मैंने इसको रख दिया है। तो गर्म पानी में रखने का मतलब ये होता है कि जैसे बाहर से आया तो गंदे भी होते हैं, हाथ वाथ लगते हैं, 4 जगह से आता है मार्केट का है। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जैसे ना इसमें जो पानी होता है तो वो पानी जो है सूख जाएगा, और उससे क्या होगा कि जब हम पनीर टिक्का बनाते हैं तो स्टिक में डालने में पीस जो है ना फटते नहीं है, तो थोड़ा सॉफ्ट पनीर जो होता हो जाता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डालना जरूरी हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा खोलते हुए पानी में नहीं डालना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गर्म पानी हो 5 से 10 मिनट के लिए आप उसमें डाल दो। तो तब तक इधर जो है चाय भी बनने लगी, तो मैं चाय जब तक पीऊंगी तब तक बनाऊंगी, तब तक ये जो है ना पानी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसका प्रोसेस मैं चालू करूंगी। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना,
क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप घर पे जो है बना सकते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा तो बनाते हैं तो उनको पता होता है, आइडिया होता है, लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं तो उनको ये होता है कि चलो हम बना के देखते हैं, और बना के देखना भी जरूर आप एक बार। तो ये कोई इसमें खास प्रोसेस नहीं होता है, और सिंपल सी चीजें होती है। सब्जी ये मैंने दही खाली कर लिया क्योंकि इसमें दही की भी जरूरत पड़ेगी, और बस इसके साथ साथ जो है क्योंकि सर्दियों के कपड़े हो जाते हैं इधर उधर जो है होते हैं, तो उनको भी क्योंकि थोड़ी नमी होती है तो उनको हमें हैंगर पे टांगने होते हैं, और उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो फिर उनको अलमीरा में जो है फोल्ड करके रखने होते हैं, क्योंकि ये काम बच्चे नहीं करते, बच्चे सिर्फ काम फैलाने का करते हैं। तो मैं साथ साथ में जो है ये कपड़े सूख गए हैं 2 दिन के, क्योंकि अब थोड़ा धूप भी निकली है, मौसम में थोड़ा सा गर्मी है तो कपड़े इजली जो है सूख जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मोटे कपड़े होते हैं तो उनको क्या करती हूँ, ये कर्टन के पीछे जो मैंने हैंगर टांगे थे ना वहीं पे मैं रात को जैसे शाम को टांग देती हूँ, और उसके बाद ये अगले दिन सूख जाते हैं। अगर एक दिन लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कपड़े जो है दिखते भी नहीं है और साइड से टंगे रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे सॉक्स वगैरह होते हैं या कैप है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कपड़े वपड़े रखने के बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब जो तैयारी कर रही हूँ वो पूरी प्रोसेस आप पूरा देखिएगा कि किस तरह से मैंने क्या क्या डाला। तो ये लिया है बेसन, तो बेसन बहुत ज्यादा जरूरी होता है बाइंडिंग के लिए, तो इसको हल्का सा बेसन को गूंजना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये जो है मैंने पनीर जो है पानी में डाला था उसको भी निकाल के छन्नी में रख दे रही हूँ, जिससे क्या होगा इसका पानी जो है ना ये निकल जाएगा आराम से। तो अभी रख दूंगी क्योंकि बेसन भुनने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। इधर मैंने दही को आप कपड़े में भी रख सकते हो, तो मेरे पास कपड़ा कोई ऐसा भी था नहीं, तो मैंने क्या किया कि ये जो किचन टावल है इसमें दही को कर दिया इकट्ठा, और ये देखिए आप दही का जो पानी है वो निकल जा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि एकदम गाढ़ा दही जो है वो हो जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं पर ये ध्यान रखने वाली हैं, अगर बिल्कुल आप इसी प्रोसेस से करेंगे तो आप जरूर बहुत अच्छा बनाएंगे। तो इसमें जो पानी निकल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और पानी पानी नहीं होगा। तो ये दही को मैंने खाली कर लिया है एक बाउल में, और इसमें क्या क्या डाला है मैंने वो भी मैं बताती हूँ। तो इसमें जो है नॉर्मल सी बेसिक चीजें पड़ती हैं, कोई अलग से ऐसा नहीं है, और घी को बिल्कुल हमने सूखा भूनना है, इसमें कोई घी तेल मैंने नहीं डाला है। तो बस अंदाजे से आप 2-3 चम्मच जितना आप बनाए उस हिसाब से कर लें। तो बस इसमें मैंने जो है बेसन डाल दिया है, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये चीजें जो होती है ना घर में होती है नॉर्मली वही चीजें, तो कोई बहुत ज्यादा तेल मसाले नहीं डाले हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास पेस्ट रखा हुआ था तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया, नहीं है तो आप घर पे जो नॉर्मल बनाते हैं वो डाल दें। कलर के लिए ये मैंने लाल मिर्च जो है देगी मिर्च जो होती है वो डाल दी है ना, आधी से 1 चम्मच। क्वांटिटी का थोड़ा इसलिए रहता है कि आप, और ये जो है पनीर टिक्का का मसाला है तो ये मेरे पास रखा था, मैंने इसलिए डाला है। सुहाना का ये मसाला है, मार्केट में इजिली मिल जाता है, अगर आप मतलब एक बार बना के देखना, अगर आपको लगता है तो आप लाके भी रख सकते हो। और डाला है सरसों का तेल, इसमें कोई और चीज नहीं डाली है, सिर्फ डाला है सरसों का तेल और थोड़ा सा काला नमक, पूरा प्रॉपर काला नमक नहीं डालूंगी टेस्ट के लिए, व्हाइट नमक भी डालूंगी सफेद वाला ये डाल रही हूँ। तो इसमें सरसों का तेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसमें क्या होता है या तो आप बहुत तेज गरम करके जैसे चौक लगाते हैं उस तरह से सरसों का तेल डालो, या कच्चा डाल दो, तो मैंने कच्चा डाल दिया। ये नींबू आधा जो है नींबू डाल दिया है, और वैसे इसमें पनीर टिक्का का मैंने मसाला डाल दिया है तो उसमें सारी चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें डालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। और वैसे भी नॉर्मल जैसे चाट मसाला वगैरह है ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, और अगर आप किचन के वगैरह डालो तो डाल सकते हो, पर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास था। ये पनीर के मैंने पीस कर लिए थे, थोड़ा बड़ा पीस किया है साइज, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। शिमला मिर्च के टुकड़े कर लिए, और ये जो है बीज निकालने के बाद शिमला मिर्च के, और प्याज मैंने बड़ा बड़ा पीस जो है काट लिया है। तो इस तरह से हाथ से इसको मिलाएंगे, और दही का पानी निकाल दिया था जिससे आप देखो कि ये पूरी तरह से जो बहुत अच्छे से जो गाढ़ा सा बन गया है। अब उसको मैंने रख दिया है सारा सामान मिक्स करके, 5 से 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो। और ये मैंने जो हरी मिर्च और धनिया की जो नॉर्मल चटनी बनती है ना वो चटनी बस इसमें बनाने वाली हूँ। तो इसमें दही डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जो चटनी होती है ना वो थोड़ा इसका कलर चेंज होना चाहिए, नॉर्मल चटनी से थोड़ा अलग होता है, तो इसमें जब दही आप डाल देंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप देखिएगा अभी, तो जो कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में जो चटनी देते हैं वो इस तरह से चटनी
बन जाती है। तो इसमें हरी मिर्च, धनिया और जो नॉर्मल जो चीजें होती है वो डाली है, बस इसमें ये थोड़ा दही डालने से कलर चेंज हो गया। तो चलो इधर हमने जब तक चटनी बनाई तब तक ये अच्छे से जो है मैरिनेट हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये मेरे पास स्टिक रखी हुई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवा रखी थी पहले, तो इसमें डब्बी में मेरे ख्याल 100 पीस आते हैं शायद, और बहुत जेन्युइन रेट में मिल जाती है, मार्केट में भी इजिली मिल जाती है, तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। और इसमें सबसे पहले आपने प्याज लगाना है या शिमला मिर्च लगानी, उसके बाद पनीर लगाना है। सबसे पहले पनीर नहीं लगाना, नहीं तो फिर वो टूट जाता है, सपोर्ट नहीं मिलता। गाजर है तो गाजर सबसे बढ़िया बात होती है, अगर गाजर है तो नीचे जो है गाजर का एक टुकड़ा लगा दो, उसके बाद जो है लगा दो, कभी भी नहीं टूटेगा, है ना, हार्ड होता है। तो बस अब मैं टोस्टर में बनाने वाली हूँ। तो ये टोस्टर में जो है, जरूरी नहीं है आपके पास ऐसा टोस्टर हो, आपके पास जैसा भी हो आप उसमें इजीली बनाना, बहुत अच्छा बनेगा, एक बार जरूर बना के देखना। तो इसमें मैंने सरसों का तेल जो है डाल दिया, क्योंकि इसमें सरसों का तेल का बहुत ज्यादा रोल होता है, सरसों का तेल की स्मेल जो होती है ना वो एक अलग बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये मैंने सरसों के तेल को खूब अच्छे से कर दिया ब्रश से और ये रख दिए। तो इस तरह से अभी आप देखना, देखते ये मैंने देखो थोड़ी जल्दी ही पलटा है ना, तब भी आपको दिख रहा होगा कि कलर जो है चेंज होने लगा है। तो ये जब लास्ट में बनेगा ना आप देखना, बहुत अच्छा बनता है ये। मैं पहले मैं एक दो बार बनवा बना के खा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि जब तक कोई चीज हम परफेक्ट नहीं, हमें नहीं लगती, तो हम आप लोगों को कैसे बता सकते हैं। तो वही चीज है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये, आप इसको चाहें तो थोड़ा ऐसे कवर भी कर सकते हैं, कवर करने से ये फायदा होगा कि आपको नीचे से भी ये जो है रोस्ट होगा और ऊपर से भी होगा, है ना, दोनों तरफ से। ये देखो आप कलर चेंज होने लगा ना, दूर से हो सकता है अभी आपको नहीं इतना समझ में आ रहा हो, ऊपर धीरे धीरे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम ब्रेड वगैरह जो करते हैं तो आपको पता ही है कि ब्रेड कैसे अच्छे से सिक जाती है, उसी तरह से जो है ये जा रहा है। तो सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, आप डालना चाहो डालो, नहीं तो नहीं, लेकिन पहले अच्छे से जो है तेल डाल दें, वो बहुत बढ़िया से इसमें कलर आता है। तो ये देखिए चेंज होने लग गया ना, आपको दिख रहा होगा, देखने से ही पता लग रहा होगा कि हाँ इसमें बन जाएगा। पर जब मैं लास्ट में निकालूंगी ना तब आप जरूर देखना, ये मैं मतलब जल्दी जल्दी इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको पूरा बनते हुए आप उसको जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा प्रॉपर कि हाँ चीज कैसे बनती है। ये देखो, और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना उतना खाने में भी अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग जरूर बना के देखिए, और इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं पड़ी है जो कि हमें इजीली मिलती नहीं है मार्केट में। तो मैंने 2 स्टिक इसमें रख दिए हैं, आपको ये आइडिया लग गया। और बाकी का जो है मैं आपको घर पे जो नॉर्मल तवे होते हैं, ये नॉन स्टिक तवे सभी के यहाँ होते हैं, तो इसमें भी मैं आप लोगों को बना के मतलब दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास टोस्टर भी नहीं है तो भी हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसके बिना चाहिए। तो सरसों का तेल है जो इस पे भी डाल दिया है, अच्छे से डाल दिया है थोड़ा, और ये जो है मैंने इस पे रख दिया। तवा बड़ा है, इस पे 3 स्टिक आराम से आ गई है, ये देखिए। तो मैंने थोड़ा ऊपर से भी ऑयल कर दिया है क्योंकि ये अच्छे से जो है हो जाएगा। ये देखिए अब ये आपको आपके सामने ही है, देखो देख बनते बनते किस तरह से बन गया, आप लोग बताइए। देखो कलर कितना प्यारा है, एकदम ब्राउन कलर जो है होता जा रहा है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। प्याज, शिमला मिर्च ये जो है ये भी अच्छे से जो है रोस्ट हो रहे हैं। तो इनका जैसे जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा और ये रोस्ट हो जाएंगे तो ये इजिली आप बना लो। और एक साथ अगर 3 से 4 लोग भी अगर खाने बैठ गए ना तब भी, आप देखो मैंने एक तरफ तवे पे रख दिया, एक तरफ मैंने इसमें भी बना दिया। ये देखो ये हो गया तैयार, चारों तरफ से आपको घुमा के भी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये डाउट ना हो कि कहीं इधर से रह जाएगा या इधर से। हाँ पीस थोड़ा मैंने बड़ा लिया था। अब इसमें जो है ये कोयला है, तो ये बहुत जरूरी है ये पार्ट, मतलब जो है ना, तो कोयला जो है इसकी एक जैसे हम छौक लगाते हैं ना वो वाला प्रोसेस, कोयले को मैंने गर्म कर लिया। ये देखो जलता हुआ कोयला होता है, उसको गर्म कर लिया। अगर ये नहीं होता है तो आप क्या करते हैं कि सरसों का जो तेल होता है ना उसको खूब तेज गर्म करके और उसका भी छौक दे सकते हो। तो इसका जो धुआं उठा और इसको हमने अच्छे से बंद कर दिया, चारों तरफ से मैंने कढ़ाई इसीलिए रखी है जिससे इसका धुआं निकले नहीं, धुआं इसी में रहे। तो इसकी क्या है, कोयले की जो खुशबू होती है ना वो पूरी इसके अंदर भर जाती है, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा जो है लगने लग जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा पसंद मतलब आ रहा था। और ये जो है तवे पे,
तो तवे पे थोड़ी सी धीमी आंच पे सेक रहे हैं, क्योंकि जो टोस्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो अपने टेम्परेचर अपने हिसाब से लेता है। तो ये देखिए फाइनल जो है बन के तैयार हो गया है, और ये देखिए हरी चटनी इसके साथ जो है सर्व कर दी है। तो देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो मजा आने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग जरूर बना के देखेंगे, मुझे लग रहा है ना, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बन गया है। तो इसमें हमें ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज नहीं। और ये देखिए तवे पे भी बहुत अच्छे से जो है रोस्ट हो रहा है। तवे पे थोड़ा सा हमें ये लग मतलब तेज गैस नहीं करनी है, और घुमा देना है धीरे धीरे, जिससे कि ये धीरे जब बनेगा तो शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से पक जाएगी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा, और बना के भी देखिएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का, वो भी बिना माइक्रोवेव बिना ओवन के। तो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, क्योंकि टोस्टर आजकल हर घर में होते हैं। तो अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप टोस्टर में बहुत इजी बना सकते हो, और जरूरी नहीं है कि इसी तरह का टोस्टर हो, आपके पास जो भी टोस्टर हो उसमें आप बना सकते हो। और कितना बढ़िया बना वो भी आप लोगों ने देखा। और टोस्टर भी नहीं है तो आप तवे पे भी ग्रिल कर सकते हो, बस धीमी धीमी आंच में इसको ग्रिल करना है, और बहुत बढ़िया जो है ना बनके तैयार हो जाता है। देखो घर पे हम कोई चीज बनाते हैं तो पेट भर के खा लेते हैं, अच्छे से नमक मसाला जो भी अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस इसीलिए आपको दोनों चीजों पे बता दिया है कि तवा पे भी इतना बढ़िया ये बन रहा है, और जो टोस्टर में बना है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो आई होप आशा करती हूँ कि आप लोग बना के जरूर एक बार देखेंगे, और बना के जब आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू, बाय। मैं आप लोगों के साथ, थैंक यू, बाय।